Cyclone Biparjoy leaves a trail of destruction. India Today reporters continue to be on ground zero. Several areas in Mandvi have been flooded because of heavy rains after the cyclone's landfall. 4,600 villages are affected. 22 people have been injured due to the storm. Animals have died. Several trees have been uprooted. Electrical poles have fallen. There is no electricity in over 900 areas. With this, over 100 trains have been cancelled. 3 highways have been closed. Road clearance work is underway in Gujarat. Authorities in Gujarat, Maharashtra and Rajasthan are on high alert because of the cyclone. In waist-deep water earlier today, my colleague Ashutosh Mishra joined the NDRF in rescue operations in Gujarat's Mandvi. Take a look. This morning, 4 to 5 a.m. onwards, the flood-like situation started. आइए सर, आइए, आगे आइए. ये जो स्कूटर है ना, ये वाला, ये स्कूटर वाला घर है, डोर बंद का, वहीं पर उसमें बच्चे भी हैं. वो लोग को, हाँ, वो हाँ हाँ, वो कह रहे थे हमें बाहर जाना. तो एक महिला थी, वो हमारे साथ आ गई हैं. बाकी सारे लोग अभी भी अंदर हैं. एक बार पूछ लीजिए, आप मिल लीजिए उनसे, पहले देख लीजिए कितने लोग हैं, असेसमेंट कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा. सो वन ऑफ द एनडीआरएफ, बिकॉज वी हैव बीन ऑल्सो रिक्वेस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, वेर एवर द इवैक्यूएशन रिक्वायर एंड द इन्फॉर्मेशन, द न्यूज रिपोर्ट्स प्रॉबली विल हेल्प आउट द पीपल इन द अफेक्टेड एरिया. दे यू सी, दिस इज एग्जैक्टली डेप्थ ऑफ द वॉटर. नाउ सर संजय टू ग्रेजुअली मूव फर्दर, टेक एवरी स्टेप्स वेरी केयरफुली. यू नेवर नो, there are manholes nearby. Since we already followed this trajectory, this path, just an hour ago, yahan ek bachcha hai, to ye log keh rahe hain ye upar chale jayenge, inse pule jane, bas us wale ghar mein zyada log hain. Bahar jana kya aap logo? Ye log madad ke liye aaye hain, bahar nikalne ke liye. Ye aaye hain, jana hai to ye log nikal denge bahar. Bachcha hai chhota. Us wale ghar mein, unme do teen bachche hain, to wo keh rahe the hame bahar surakshit jana hai kisi ilake mein. तो उनमें से एक को हमने निकाला था, बाकी सारे छोटे बच्चे ज्यादा हैं. सो दिस वुड रिक्वायर, यू सी द डेप्थ ऑफ द वॉटर, दिस एक्सप्लेन्स द फ्यूरी ऑफ दिस साइक्लोन, द मेहम इट हैज लिटरली. दो यू नो देर इज अ गुड न्यूज दैट पॉलमी, वी कैन रियली बी थैंकफुल टू द नेचर, देर इज नॉट मैसिव लॉस टू द लाइफ. सो समहाउ इट इज ओनली पास्ट फॉर द डैमेज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी, विच विल बी रिस्टोर्ड ऑफ कोर्स इन अ, इट वुड टेक कपल ऑफ मंथ्स मे बी मैक्सिमम टू रिस्टोर. ये वाला घर है, इस वाले घर में कुछ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इनको बाहर जाना था. सो वी जस्ट गॉट इंडियन पर्सन अलॉन्ग विथ अस, दे विल कम्युनिकेट, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. आप बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, इनको जाना था. दिस इज ऑल्सो नीड ऑफ द आर. ये ले आया मदद के लिए इन्हीं लोग को. बोट लेकर के आ रहे, आपकी मदद के लिए आए हैं. अब परेशान मत हो, निकल जाएंगे. मैं इनके साथ ही, आप ले आइए. यू नो फाइनली द हेल्प हैज रीच्ड हियर, दे वांट्स टू इवैक्यूएट फ्रॉम दिस प्लेस. देयर इज एल्डरली सीनियर सिटीजन इन द होम, एल्डरली वुमेन, चिल्ड्रन, एंड वी हैव बीन अपीलिंग टू द अथॉरिटीज बाय सेंडिंग आउट द मैसेजेस टू गेट हेल्प एज मच एज पॉसिबल. And some of these NDRF officials will ensure. ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, आप लेकर के आ जाइए. ठीक है, आराम से. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. बोट अब तो है ना, मैं यहीं करूँ, मैं चलता हूँ, धीरे धीरे आऊँगा बाहर. बाहर मत आना, आप लोग के लिए मदद आ रही है यहीं पे. बोट लेकर के आ रहे हैं, निकालेंगे. जो ले जाना है सामान पैक कर लीजिए, काम भर का सामान रख लीजिए. ठीक है, जितना सामान चाहिए उतना ही रखिएगा. आ रहे लेकर के. सो दिस इज इन डीड अ पॉलमी नीड ऑफ द आर टू इंश्योर the rescue operation, relief operation must go on, and we're trying our reports also to be helpful for the authorities to ensure they reach us on time, particularly those who are really in dire need, the senior citizen, children, small children, small kids in this area. और मांडवी के जिस इलाके से आज तक ने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जहां कई सारे परिवारों को मदद की जरूरत थी, और अब उसके बाद हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची है बचाव कार्य के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए जरूरत थी बुजुर्ग महिलाओं की. एक परिवार था, कई सारे लोग हैं जो ऊपर चले गए, ऊपरी मंजिलों पर चले गए, लेकिन जो बच्चे थे, बुजुर्ग महिलाएं थे, उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाना था, सबसे ज्यादा वही जरूरत थी. तो ऐसे में देखिए, अब ये पानी दरअसल इतना ज्यादा है कि यहां पर नाव नहीं उतारी जा सकती,
क्योंकि ऐसी नाव जो है उनको फटने का डर है। तो अब जो एनडीआरएफ के लोग हैं हाथ में ट्यूब लाइफ जैकेट लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले उस परिवार को निकाला जाए। देखिए यहाँ कई सारे लोग थे, ये इन्होंने ऊपरी जो मंजिल है उस पर शरण ले ली है, ये वहाँ चले गए हैं, लेकिन हम मदद लेकर के आए हैं उन परिवारों के लिए कि उन्हें कम से कम निकाला जा सके, क्योंकि उन्हें बुजुर्ग महिला थी और छोटे बच्चे थे। एक बार वो सड़क तक पहुँच गए इस गहरे पानी में तो उसके बाद वो सुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं, क्योंकि घर में बिजली है नहीं तो फ़ोन चार्ज कर नहीं सकते, मदद मंगा नहीं सकते, पानी का स्टॉक भी लिमिट सीमित होगा, क्योंकि अगर मोटर नहीं चल रहे हैं तो पानी भी नहीं पहुंच पाएगा घर में, खाने पीने का स्टॉक भी सीमित होगा। आज मदद के लिए आखिरकार हमने लेकर के आए हैं कम से कम एक वो जो परिवार है जिनको निकाला जा सके, उन्हें मदद मिल सके। में फंसे हैं उन्हीं लोगों की मदद के लिए हम एनडीआरएफ की टीम को यहां पर लेकर के आए हैं। आज तक ने अपनी ओर से पहल की कि एनडीआरएफ की टीम को यह जानकारी दी कि यहां कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्हें इवैक्यूएट करना है, और उस खबर का संज्ञान लेते हुए एनडीआरएफ के तमाम जो देवदूत हैं वो आए हैं, क्योंकि देखिए हम यहां से एक महिला को ही निकाल पाए थे। एक्सपर्टीज एनडीआरएफ की इस तरह की ट्रेनिंग के बच्चों को छोटे छोटे निकाला जाए। देखिए ये बुजुर्ग महिलाएं थी, लाइफ जैकेट उनको लिया गया है, और आज तक की पहल के बाद जैसे हमने उन्हें जानकारी पहुंचाई है उनकी तमाम सारी टीमें पहुंची, क्योंकि इस घर में कई सारी बुजुर्ग महिलाएं थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक पर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि पूरा परिवार था जिसमें बुजुर्ग महिलाएं ज्यादा थी, और चूंकि पानी गहरा भी है और शैलो भी है, 1.5 से 2 फीट पानी में बड़ी नाव नहीं चलाई जा सकती, ऐसे में जरूरत थी कि इनको बहुत सावधानी से निकाला जाए, क्योंकि माता जी बहुत ज्यादा परेशान थी। और जब हम यहां पर आए थे इनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि कम से कम इनका संदेश पहुंच जाएगा, क्योंकि इनके घर में परिवार के किसी के पास मोबाइल फोन की बैटरी नहीं चल रही थी, और वहां पर पीछे 2-4 लोग हैं, मैं पकड़ लेता हूँ अब निकाली, तो सबसे ज्यादा मदद की जरूरत इन लोगों की। अब देखिए पानी इतना गहरा ना, इतने में मोटर बोट नहीं चलाई जा सकती, तो सबसे जरूरी होता है कि लाइफ जैकेट पहना करके, देखिए यहाँ पर बच्चों को कंधे पर लेकर के, और जरूरत का सामान हमने को कहा था कि आप जरूरत का सामान पैक करके रखें, थोड़ी देर में मदद आएगी। और हमने एक छोटी सी कोशिश की कि एनडीआरएफ के लोगों के जरिए जानकारी पहुंच जाए, और एक बार जानकारी हो जाती है तो मदद बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अगर एक बार इनको सुरक्षित इलाकों में निकाल लिया गया तो आप समझिए कि कितनी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। एक परिवार मुश्किल से कम पूरे परिवार को अब निकाल लिया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जहां जहां पर लोग फंसे हैं किसी भी तरह से वो संदेश देने में कामयाब रहे, किसी तरह कोशिश करें कि संदेश अगर पहुंच जाएगा तो मदद भी उन तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो ये साधारण मानव की क्षमता के बिल्कुल विपरीत है, वो भी तब जब तबाही ऐसी हो, सैलाब का मंजर ऐसा हो। इसलिए आज तक के कैमरे पर आप ये लाइव ऑपरेशन देख रहे हैं एनडीआरएफ का, उस इलाके से जहां की खबर आज तक ने दिखाई थी कि लोग वहां परिवार उन्हें वहां रेस्क्यू की जरूरत है, एक छोटी सी कोशिश हमारी ओर से थी कि यहां पर इनको मदद मिल जाए। और वो मदद देखिए ये बहुत सुखद अनुभव होता है किसी रिपोर्टर के लिए, और मैं वो खुशी अपने अंदर महसूस कर सकता हूं, एक छोटी सी कोशिश और कोशिश के बाद एक पूरे परिवार को मदद मिल जाना, आप समझते हैं, ये शायद इससे ज्यादा पुण्य कमाने जैसी और कोई बात होती नहीं है।